आपने भारत में कई तरह के मंदिर देखे होंगे। शिव मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर। लेकिन क्या आपने कभी सास बहू का मंदिर देखा है? आपको सास बहू के मंदिर के बारे में जानकर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल सच है। यह मंदिर राजस्थान के उदयपुर में है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बड़ी ही रोचक है। सास बहू का मंदिर उदयपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। बहू का मंदिर सास के मंदिर से थोड़ा छोटा है। 10वीं सदी में निर्मित सास बहू का मंदिर अष्टकोणीय 8 नक्काशीदार महिलाओं से सजी गई छत है। मंदिर की दीवारों को रामायण की विभिन्न घटनाओं के साथ सजाया गया है। मूर्तियों को 2 चरणों में इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि वो एक दूसरे को घेरती रहे। सास बहू के इस मंदिर में एक मंच पर त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की छवियां खुदी हुई हैं, जबकि दूसरे मंच पर राम, बलराम और परशुराम के चित्र लगे हुए हैं। कहते हैं कि मेवाड़ राजघराने की राजमाता ने यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर और बहू ने शेषनाग के मंदिर का निर्माण कराया था। सास बहू के द्वारा निर्माण कराए जाने के कारण ही इन मंदिरों को सास बहू के मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। 1100 साल पहले इस मंदिर का निर्माण राजा महिपाल और रत्नपाल ने करवाया था। सास बहू के इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बने छज्जों पर महाभारत की पूरी कथा अंकित है, जबकि इन छज्जों से लगे बाएं स्तंभ पर शिव पार्वती की प्रतिमाएं हैं। सास बहू के इन्हीं मंदिरों के आसपास मेवाड़ राजवंश की स्थापना हुई थी। कहते हैं कि दुर्ग पर जब मुगलों ने कब्जा कर लिया था तो सास बहू के इस मंदिर को चूने और रेत से भरकर बंद करवा दिया था। हालांकि बाद में जब अंग्रेजों ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया तब फिर से इस मंदिर को खुलवाया गया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।